हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल। नाउ इन दिस वीडियो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम स्कल्पटिंग बनाते हैं इन ब्लेंडर। आई एम यूजिंग ब्लेंडर 2.79। लेकिन उससे पहले मैंने एक गिव अवे रख रखा था, उसमें मैंने एक कैरेक्टर है जो जीतेगा वो उस गिव अवे में उसको ये कैरेक्टर मिलेगा। ओके, तो ये जो गिव अवे है ये 15 डेज से था। नाउ 15 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, तो एक विनर होता है गिव अवे का। ओके, मैंने एक विनर ही रखा था, तो उस विनर का नेम है आशिया खान। अगर आशिया खान जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट, इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे पास उनका ईमेल एड्रेस है, उसके थ्रू मैं उनको एक कैरेक्टर सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ इन फ्यूचर मैं अलग से गिव अवेज लाऊंगी, बट फिलहाल मेरा ये फर्स्ट गिव अवे था। ऑलराइट, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आई मीन मैंने दो वीडियो बनाई है रिलेटेड टू स्कल्पटिंग। उसमें मैंने बेसिक्स बताया है कि स्कल्पटिंग में हम किस तरह से ब्रशेस, कितने किस तरह से ब्रशेस होते हैं, किस तरह का उनका बेसिक फंक्शन होता है, आई मीन किस तरह से हम उनको यूजली यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में बताऊंगी आगे का कि किस तरह से हम पर्टिकुलर फेस डिज़ाइन कर सकते हैं, आई मीन हेड मॉडलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कल्पटिंग। मैंने प्रीवियस वीडियोस, मैंने काफ़ी अलग से वीडियोस भी बनाई हैं, उसमें मैंने अलग से एनिमेशंस बनाए हैं रिलेटेड टू ब्लेंडर। तो डेफिनेटली आपको मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखनी चाहिए और मेरे प्लेलिस्ट देखनी चाहिए रिलेटेड टू ब्लेंडर, या फिर और भी चीज़ें मैंने काफ़ी अलग टॉपिक्स पे भी बनाई हैं, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। नाउ मैंने अपनी स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर रखी है, जो भी मैं कीबोर्ड या फिर माउस में प्रेस करूँगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। नाउ मैंने ए से सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। कैसे पता सब कुछ सिलेक्ट है? ये सब कुछ अभी हाईलाइटेड नहीं है, जैसे मैंने ए करा सब कुछ हाईलाइटेड है। अब मैं चाहती हूँ इनको मैं डिलीट कर दूँ, बिकॉज मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट का ऑप्शन दबाया एंड यहाँ पे इसको कर दिया डिलीट। नाउ अब हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले मेरे को स्फेयर लेना है एक, बिकॉज हमारा जो फेस होता है वो एक तरीके से स्फेयर की फॉर्म में होता है, तो आई विल यूज़ स्फेयर, यूवी स्फेयर। यहाँ से भी ले सकते हैं हम एड मैश एंड देन यहाँ पे कोई सा भी फिगर लेनी हो तो ले सकते हैं, राइट, अलग से। नाउ हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं ब्लेंडर में। हम यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र ऑर्थोग्राफिक मोड में है, 5 करेंगे नंबर पैड पे, यूज़र प्रोस्पेक्टिव व्यू होता है। ओके, अगर किसी के पास नंबर पैड नहीं है तो हम यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखते हैं इस स्फेयर को। मैं चाहती हूँ मैं इसे बैक साइड से देखूँ, तो ये बैक साइड पे दिखाई देता है हमें, टॉप से कि स्फेयर टॉप से दिखाई देता है। ओके, या फिर ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव व्यू में क्या डिफरेंस होता है? देखो हम वन पे करते हैं तो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है, हम फ्रंट व्यू इस तरह से इसको देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब हम इसमें थोड़ी एडिटिंग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक मोड हम काफ़ी इजिली इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो नंबर पैड पे 5 प्रेस करते हैं एंड देन ऑर्थोग्राफिक मोड में इस तरह से आ जाता है, जो कि ज़्यादा ईजी होता है एडिटिंग या फिर कुछ और फंक्शंस प्रोवाइड करवाने के लिए। अगर पता नहीं है 5 नंबर पैड नहीं है तो व्यू, तो यहाँ पे आता है व्यू प्रोस्पेक्टिव ऑर्थोग्राफिक, या फिर अगेन व्यू प्रोस्पेक्टिव ऑर्थोग्राफिक से हटके यहाँ पे आ जाता है। फाइन, हमें चाहिए ऑर्थोग्राफिक मोड। और अब हमें इसमें स्कल्पटिंग करनी है, तो उसके लिए पहले थोड़ी चेंजेस करनी होती है। मैंने पहले वीडियोस में बताया है 5, सॉरी एन प्रेस करते हैं एंड देन यहाँ पे व्यूज में जाते हैं। लेंस, लेंस का मतलब होता है कि हमारा ये जो पर्टिकुलर स्फेयर या फिर ऑब्जेक्ट है वो कितना हमें दिख रहा है, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा और बारीकी से देखें। ओके, तो हम इसको 100 तक कर देते हैं एंड देन नीचे जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेडिंग के अंदर मैट कैप का, मैट कैप पे क्लिक कर देते हैं, चेक कर देते हैं इसको एंड देन यहाँ पे काफ़ी तरह के हमें ऑब्जेक्ट्स के जो मेटल्स होते हैं हम कह सकते हैं व्यू होते हैं वो देख सकते हैं, राइट, जो सा भी अच्छा लगे वो हम चूज़ कर सकते हैं। बट स्कल्पटिंग में हमें अलग से फिगर्स वगैरह बनानी होती हैं, जैसे हम आईब्रोज, आईज या फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं बॉडी, राइट, तो उसके लिए ये वाला सबसे बेस्ट रहता है। इसमें हम जो भी शेप बनाते हैं वो इजीली दिख सकती है। ओके, तो ये वाला हम चेक कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एन के थ्रू इसको हटा देते हैं प्रॉपर्टीज़ को। एन के थ्रू प्रॉपर्टीज दोबारा कर सकते हैं, तो इसको एन के थ्रू हटा देते हैं। ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसके लिए होता है टी, टी से हटा देते हैं, टी से कर लेते हैं इसको इस तरह से। ओके, नाउ मैं चाहती हूँ मेरे को ये चाहिए नहीं अभी। ओके, तो मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, लेकिन ये फिर भी अभी भी बचा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि फिलहाल के लिए गायब हो जाए ये, तो
मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि ये जगह घेरे। ओके, तो किस तरह से करेंगे अब इसको कंट्रोल, एंड जो हमारे एरोगीज होते हैं अप राइट सॉरी अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसमें हम क्या करेंगे कंट्रोल और अप का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे एक साथ, एंड देन वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है। हम टी करेंगे तो ये भी गायब हो चुका है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको ऐसे रख लिया है। एंड देन गो टू ऑब्जेक्ट टू स्कल्प्ट मोड। नाउ मैंने बता रखा है पहली वीडियोस में कि इनमें बेसिक किस तरह से होता है। ओके, नाउ हम स्कल्पिंग स्टार्ट करते हैं इस वाले डेमो में, सॉरी इस वाले ट्यूटोरियल में। ऑलराइट, नाउ हम इसमें ग्रैब का जाते हैं, यहाँ पे ग्रैब। ओके, या फिर हम कहीं भी हैं, जी फॉर ग्रैबिंग, एंड देन इसको हम स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल इन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके हम एफ के थ्रू इसकी रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं, रेडियस की कितना बड़ा होगा ब्रश का साइज इस तरह से कर सकते हैं, या एफ के थ्रू कर सकते हैं इस तरह से। स्ट्रेंथ की कितने पावरफुल होगा हमारा ब्रश, क्या जो हम ब्रश यूज करेंगे कितनी हद तक वो अप्लाई होगा, हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ इसकी होगी सबसे ज्यादा। ओके, मतलब काफी अफेक्ट देगा ये अपने ऑब्जेक्ट पे। ऑलराइट, नाउ हम ब्रश को हमने काफी बड़ा कर दिया है, देन इसको हम इस तरह से शेप देते हैं अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर को। राइट, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कंट्रोल जी से इसको दोबारा से अंडू कर सकते हैं, एफ करके इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इसको इस तरह से, इसको इस तरह से कर सकते हैं। राइट, कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो इस तरह से कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इसको इस तरह से फाइन थ्री करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। वेट वेट वेट, यहाँ पे इस तरह से। ऑलराइट, नाउ वन, एंड यहाँ पे इसको इस तरह से। ओके, ऑलराइट, ये हमने इस तरह से हमारा जो कैरेक्टर का हेड है वो हमने सेलेक्ट सेट सेट कर लिया है। ओके, नाउ मैंने ये बता रखा है कि ये जो स्मूथ का ऑप्शन होता है, हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्मूथ का ऑप्शन पे ही जाना पड़े। कोई भी ब्रश पे है हम, जैसे हमने ये वाले ब्रश पे है, हम चाहते हैं स्मूथ भी होए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं शिफ्ट प्रेस करते हैं, एंड देन माउस का जो लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक जिस पे भी हमें सेट करना होता है उसके थ्रू हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। ऑलराइट, राइट, लेकिन हम इतना नहीं करना चाहते कि पूरे इसकी शेप ही चेंज हो जाए। देखो, हम स्मूथ करते रहेंगे, देन यू कैन सी कितना ज्यादा शेप इसकी चेंज हो रही है। राइट, हमें ये नहीं चाहिए ऐसे, तो हम क्या करेंगे इसकी एफ जो है इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, ब्रश को चेंज कर देंगे, छोटा कर देंगे ब्रश को, एंड देन इसको अप्लाई कर सकते हैं स्मूथ को। राइट, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर देते हैं, एंड देन यू कैन सी इस तरह से आता है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग इसको हम स्मूथनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखो हम जी करते हैं, एंड देन यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो वायर फ्रेम के थ्रू हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में कितने वर्टेक्सेस हैं, कितनी एजेस हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस इक्वल्स फेसेस। राइट, तो कितने हमारे फेसेस हैं, फेसेस इसके थ्रू दिखते हैं, इस तरह से हम वर्टेक्सेस एंड एजेस देख सकते हैं। राइट, लेकिन हम ये देख सकते हैं, हमें ये पता होता है जनरल, हमें ये पता होता है जनरली कि अगर वर्टेक्सेस और एजेस ज्यादा होती है, जितनी क्वांटिटी में ज्यादा होती है उस हिसाब से हमारा जो मॉडल होता है वो काफी बेस्ट बन के आता है, लेकिन हम देख सकते हैं इसमें ज्यादा है नहीं। राइट, तो हम क्या करेंगे, वन करेंगे फ्रंट व्यू के लिए, इसमें इसकी आईज बनाएंगे, एफ करेंगे थोड़ा इस तरह से, स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी ज्यादा रखेंगे, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। वेट, इसको इस तरह से कर सकते हैं, एंड देन इसको देखो। राइट, अच्छे से इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, क्यों, जी करेंगे, देखो ये इतनी वर्टेक्सेस हैं, जब वर्टेक्स ही कम है तो किस हिसाब से वो स्मूथनेस प्रोवाइड करवाएगा, किस हिसाब से वो अच्छे से कर पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गो टू एडिट मोड विद द हेल्प ऑफ टैब, या फिर हम यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे हम एज यूजल करते हैं, यहाँ पे एडिट मोड में जाते हैं, एंड जी से इस तरह से कर सकते हैं, ए से सब कुछ डी सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, एंड देन यू कैन से डब्ल्यू प्रेस करते हैं, हम सब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसमें जो इसकी जो वर्टेक्सेस वगैरह है एजेस उसको हम इंक्रीज करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो डब्लू सब डिवाइड क्लिक कर देंगे, एंड देन यू कैन सी एक्स्ट्रा इसमें डिटेल्स आ चुकी हैं, एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस एक्स्ट्रा एजेस आ चुकी हैं। हम चाहते हैं थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, लेकिन मेक श्योर अगर आप इंक्रीज करते हो तो काफी ज्यादा लोड भी हो सकता है, अगर आपके पास अच्छा रैम नहीं है
या फिर ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा नहीं है तो वो बाई चांस ब्लेंडर हट भी सकता है, क्रैश भी हो सकता है, ओके बंद भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप अपने अकॉर्डिंग करें कि कितना आपको करना है, उस हिसाब से वो लोड लेता है। तो हम इसको 3 कर देते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ चुकी है, अब जो भी हम इसमें शेप देंगे वो काफ़ी अच्छे से आएंगी। ओके 3 करके देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो 4 भी करके देखेंगे। जी कर देते हैं, देखो कितनी अच्छी डिटेल्स आ चुकी है। एंड देन इसमें टैब के थ्रू हम ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं, बट मेरे को जाना है और स्कल्पिंग, बिकॉज आई एम टीचिंग स्कल्पिंग राइट। एंड देन यहाँ पे इसको ये क्लिक करते हैं। ऑल राइट नाउ इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। ऐड से क्या होता है, ये जो होता है ये ऊपर की तरफ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा ये अंदर की तरफ जाएगा राइट। ऐड से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ होगा, सब्ट्रैक्ट से क्या होगा ये अंदर की तरफ होगा। ओके तो हमें करना है ऐड। एंड यहाँ पे देखो इस तरह से करेंगे, एंड देन कैन सी इस तरह से आता है राइट। मेक श्योर जो हमारा सिमेट्री है उसमें एक्स एक्सीस ऑन हो, अदरवाइज क्या होगा, एक्स एक्सीस ऑफ है तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हमें करना पड़ेगा राइट। हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो, हम चाहते हैं जो भी हम यहाँ वर्क करें वो इधर भी वर्क हो। तो हम इसको एक्स एक्सीस में सिमेट्रिकली ऑन कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऑलराइट नाउ हम चाहते हैं थोड़ा और इसमें बारीकनेस आए राइट। तो इसको स्कल्पिंग से एडिट मोड, सेम इन दिस डब्ल्यू सब डिवाइड, गो टू स्कल्प अगेन एंड यू कैन सी दोबारा जा सकते हैं एडिट मोड, डब्ल्यू सब डिवाइड। ऑलराइट ये है बढ़िया बातें। हम यहाँ पे स्कल्प मोड पे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसका होगा माय स्कल्पिंग न्यू डॉट blend, ब्लेंड फाइल होगी तो डॉट ब्लेंड एक्सटेंशन। नाउ इसमें हम इसकी आईब्रोज बनाएंगे, इसको इस तरह से, वेट 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 गलत हो गया, इस तरह से कितना ब्रश का साइज ले सकते हैं राइट, कम कर सकते हैं ब्रश का साइज, ब्रश का साइज फिलहाल सही है। इसको इस तरह से हम कर सकते हैं ओके। देखो काफी लोड होने लगा है ये राइट। अब करते हैं हम इसमें इस तरह से, इस तरह से ले सकते हैं ओके। यहाँ पे इस तरह से आईब्रोज ओके, ये मेन शेप होगी आईब्रोज की, ये थोड़ी गलत हो गई है तो इसको इस तरह से रख सकते हैं। वन कंट्रोल जी एंड देन यहाँ पे इस तरह से दोबारा से ओके, अपने अकॉर्डिंग आईब्रोज का शेप ये ठीक है राइट। एक बार कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे इसकी हमें आईज बनानी है, आईज के लिए हम कौन सा ब्रश लेंगे, क्या इसके थ्रू ही कर लें, आईज तो नहीं लग रही है तो इसको हटा देते हैं, तो कोई और सा ब्रश लेते हैं। हम करते हैं 3 I mean to say 4, 4 से क्या होता है ये क्रीज का ऑप्शन है, इस पे जाते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, या हमें शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए बिकॉज हम बार बार स्विचिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आई मीन टू से काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ओके। तो जो ज़्यादा मेन ब्रशेज हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो उसके हमको शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए, देन क्रीज यूज करते हैं। इसमें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज यू नो, नाउ ऐड करते हैं एंड देन यहाँ पे शेप प्रोवाइड करवाते हैं आइस की अपने अकॉर्डिंग, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ओके, कितना पावरफुल ब्रश होगा यू कैन सी बहुत पावरफुल है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं इस तरह से राइट। ये सही है, इस तरह से कर सकते हैं एंड देन इसको नीचे इस तरह से राइट सही है ओके। फिलहाल हम थोड़ा इस तरह से बना लेते हैं एंड देन उसके बाद उसको थोड़ी बारीकनेस देंगे। यहाँ पे इसकी आईज इस तरह से आएगी एंड देन इसको इस तरह से इसकी नोजल्स शेप। ऑलराइट नाउ 3 करेंगे, हम इसको ग्रैब करेंगे बिकॉज ऐसी आइज तो बिल्कुल, सॉरी ऐसी नोज तो अच्छी नहीं होगी, तो जी करेंगे फॉर ग्रैबिंग, यहाँ से ले सकते हैं जी, एफ से इसको थोड़ा ब्रश का साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी नोज को इस तरह से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ओके, देन इस तरह से राइट। जितना हम ब्रश का साइज होगा उस हिसाब से ये अफेक्ट होगा
3, इसको अंदर ही कर देते हैं इस तरह से अपने अकॉर्डिंग। फाइन, ऐसे सही है। वन करेंगे, इसको थोड़ी स्मूथनेस प्रोवाइड करवाएंगे। एज यू नो यहां से जा सकते हैं, बट डायरेक्टली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंड इस तरह से, राइट। जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे वाला ऑप्शन आता है, राइट। एफ के थ्रू स्केल थोड़ा, ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको इस तरह से स्मूथनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। वन करते हैं, फोर के थ्रू क्रीज, एंड देन यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे इसको शेप प्रोवाइड करवाएंगे। स्मूथनेस ओके, जो भी हम यहाँ परफॉर्म करेंगे वो दूसरी साइड पे परफॉर्म होगा बिकॉज वी आर यूजिंग सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस। वन एंड देन यहाँ पे इस तरह से इसको स्मूथ कर सकते हैं कभी भी। ओके, ये नहीं कि हमने बस बना लिया एंड देन उसके बाद हम सोच रहे हैं बस इतना ठीक है। ओके, अपने अकॉर्डिंग हम कितना भी चेंज कर सकते हैं। ओके, कभी हमें लगता है कि हाँ ये वाली शेप सही है, कभी हमें लगता है नहीं ये वाली नहीं, ऐसे ज़्यादा बेटर है, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन तो है ही नहीं, राइट। अपने अकॉर्डिंग हम अपना कैरेक्टर बना सकते हैं इस तरह से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, बट प्लीज़ आप लिंक शेयर मत कीजिए। लिंक अगर आपको मुझको कोई सी दिखानी है कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ बताओ, तो आपको ट्विटर पेज पे मेरी को लिंक सेंड कर देनी चाहिए बिकॉज आई हैव अ ट्विटर पेज, twitter.com/me_NLNE। ओके, मैंने यहाँ पे दे रखा है लिंक, आप देख सकते हो, या आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो, बट ट्विटर इज बेस्ट। ओके, ट्विटर ज़्यादा कन्वीनियंट है फॉर मी, फेसबुक पे भी मैं आती हूँ बट ट्विटर ज़्यादा बेस्ट है। इसको इस तरह से कर लेते हैं। देन इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग, देयर इज नो टाइम बाउंडेशन कि नहीं हमें इतने टाइम में कंप्लीट करना है, जितना हमारा अच्छा होगा कैरेक्टर उस हिसाब से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमने कैरेक्टर बनाया है, अच्छा सा बनाया है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करवा देते हैं। ऑलराइट, इसको थोड़ा ऑलराइट, इसको स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी कम कर देते हैं, राइट। फोर करते हैं, फोर सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, एंड देन यहाँ पे इसको इस तरह से जनरल शेप दे सकते हैं। वो वाला जो था वो थोड़ा काफ़ी अलग से शेप देने के लिए था, ये इसकी थोड़ी होती है ना बारीकी से शेप देने के लिए, तो हम ये वाला क्रीज सीज जो भी है यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसको हम शेप दे सकते हैं स्मूथनेस, यहाँ से थोड़ा और राइट नाउ हमारी आईज नोज़ कंप्लीट हो चुकी है। ओके, फिलहाल इतना ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं स्मूथनेस, एंड देन इसको इस तरह से फाइन इस तरह से। ओके, फन करते हैं, एंड देन आईब्रोज को थोड़ा चेंज करते हैं इसमें इस तरह से अपने अकॉर्डिंग, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो मैं चाहती हूँ मैं इसमें थोड़ा ऐड कर सकती हूँ इस तरह से, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करो अपने अकॉर्डिंग, स्मूथ फाइन। ऑलराइट, अब हम इसमें आईज इसका थोड़ा इस तरह से चेंज कर देते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, एंड देन इसको इस तरह से। ओके, फिलहाल आईज इतनी ठीक है। अब पहले फेस का माउथ बनाते हैं उसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऐड ले सकते हैं ऐड के थ्रू या सब्ट्रैक्ट के थ्रू, हम इसकी पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं। ओके, ऐप कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से, हम इसको शेप देते हैं ऐड से। ओके, अब इसकी शेप बनाते हैं, इसके थ्रू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, अपनी मर्जी है। फेस थोड़ा इसको कम कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे फाइन, एंड देन इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट के थ्रू शेप दे देते हैं। स्मूथ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पे इसको थोड़ा स्मूथनेस, कुछ भी मिस्टेक हो तो कंट्रोल जी से कर सकते हैं अंडू, राइट इस तरह से ऐड। ऑल राइट, नाउ एफ यहाँ पे थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एफ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट।
आर्ट देन नोज थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से स्मूथ एंड देन थोड़ा बंद करते हैं। इसकी आईज बनाते हैं, पहले इसकी ईयर्स बना लेते हैं। अब कान, इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला ले लेते हैं, इस तरह से बनाना है राइट, लेकिन इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे इधर की साइड अपने अकॉर्डिंग फाइन, इसको यहाँ पे फोर के थ्रू चेंज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं इसको इस तरह से। फाइन, यहाँ पे ऐड करते हैं ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसकी शेप इस तरह से एंड देन यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, ये थोड़ा फर्क होता है पार्ट, तो इसको थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से राइट, इसको थोड़ा इस तरह से प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो और राइट, इसको इस तरह से कर सकते हैं स्मूथनेस फाइन, वन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है थोड़ी अलग से आ रहा है, तो जी करेंगे एफ करेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं राइट। मैंने बता रखा है किस तरह से, इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं राइट, इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं बिकॉज रियल लाइफ में इतना होता नहीं है, आगे की तरफ राइट एंड देन इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करवाते हैं दूसरी साइड से। एफ थोड़ा कम कर लेते हैं एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेवन करेंगे, स्मूथनेस प्रोवाइड करवाएंगे, एफ थोड़ा बड़ा कर लेंगे स्मूथनेस कंट्रोल वन बैक साइड इसको इस तरह से फाइन, इसको हम थोड़ा क्ले थ्री से देते हैं हम यहाँ पे
राइट एफ करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे इसको, इस तरह से देख सकते हैं लेकिन थोड़ा कम देंगे। तो ये वाला सेकंड वाला करेंगे चूज एंड देन इसको इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग थोड़ी मसल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। वन ऑल राइट फाइन, इस तरह से ओके थ्री करेंगे। वन फाइन, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।